इलेक्शन जो हुआ वो बेहतर हुआ, वो धांधली से पाक था, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन के रिजल्ट्स में जो है वो धांधली की गई है। जी बिल्कुल, इलेक्शन के रिजल्ट्स के अंदर जो है वो धांधली। जी मैं हूँ फरहान जंजुआ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों के सामने हाजिर होने का मकसद बहुत ही ख़ास है, और जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि इलेक्शन जो है वो 2024 8 फरवरी को था और वो हो चुका, और इलेक्शन के बाद जो है बहुत से जो मामलात हैं वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो मुल्की हालात इस वक्त कुछ कुछ ख़ास एरियाज़ पे चल रहे हैं वो भी मैं अपने इस वीडियो में आगे पेश करूँगा, तो इसे आखिर तक सुने, मुझे उम्मीद है बेहतर रहनुमाई हासिल होगी इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं कि इलेक्शन 2024 यानी कि जो 8 फरवरी 2024 को होना था, उसके होने के बाद कितने लोग जो हैं वो इस इलेक्शन से मुतमाइन हैं। तो मेरे हिसाब से जो मामलात और जो हालात देख रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम चलें तो फिर याद रखिएगा कि इलेक्शन जो प्रोसेस है वो तो वाकई ही शफाफ हुआ, इसमें किसी के हवाले से दूसरी राय हमारे पास नहीं आ रही। तो बेसिकली इलेक्शन प्रोसेस जो है वो तो शफाफ है यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शफाफ है तो फिर इशू क्या है। तो यहाँ पर अपने सुनने वालों को, चाहने वालों को, देखने वालों को ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि जी एक रिज़ल्ट है जो कि आप लोगों के सामने आ रहे हैं और एक वाजे बढ़तरी के साथ एक कैंडिडेट जो है वो उससे जीत रहा है, और अचानक ही जो है थोड़ी देर के बाद या घंटे दो चार के बाद जो है वो रिज़ल्ट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, तो क्या कोई आम जानने वाला, आम समझने वाला, क्या वो जो अकल रखता है इस पाकिस्तान की ख़ास आवाम जो कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नहायती जो है वो अक्लमंद और शऊर रखती है, काफ़ी हद तक की बात हो रही है, क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, अब सवाल ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि रात 4 बजे तक, जी जी बिल्कुल, जिस दिन इलेक्शन हुआ रात 4 बजे तक जो वोटिंग स्ट्रेंथ चल रही थी, डिफरेंट हलकों के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है दूसरा फरीक जो है वो कामयाब हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों को देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो रहा है। अच्छा, मोस्टली जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो, जैसा कि बहुत से दोस्त जानते हैं कि वो PTI के ताल्लुक़ था उनका, मोस्टली आज़ाद उम्मीदवारान का, तो कुछ उसमें जो है वो बिल्कुल कुछ नून लीग के भी हमायती हैं, कुछ डिफरेंट हवाले से खड़े होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, पर जो मेजॉरिटी ऑफ द उम्मीदवार थे वो इस वक्त बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे PTI की नशिस्त से डिफरेंट जो है निशानात पे लड़ रहे थे, ठीक है। और हैरानकुन बात यह है कि PTI हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, इस पूरे इलेक्शन में हमें नज़र आया कि मैक्सिमम जो वोटिंग स्ट्रेंथ थी वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो लेकर गए हैं। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं मैं सिर्फ आप लोगों के साथ पेश नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी जो है ना वो मैंने कहा ना कि अक्ल और शऊर रखने वाले लोग हैं वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि रात देर तक जो है क्या डिसीजन रहा, और उसके बाद जैसे ही सुबह आँख खुलती है और बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन नतायज जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आगे जाकर अगले अपने व्लॉग के अंदर जो है वो बिल्कुल हल्का NA48 के हवाले से डिस्कस करूँगा, पर इस वक्त जो है वो ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर एक बात हो रही है। तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों से वजाहत दी गई उसके मुताबिक, या जितने भी लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक, जो एक लमसम या समरी कह रहे हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि इलेक्शन जो हुआ वो बेहतर हुआ, वो धांधली से पाक था, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन के रिजल्ट्स में जो है वो धांधली की गई है। जी बिल्कुल, इलेक्शन के रिजल्ट्स के अंदर जो है वो धांधली की गई है, और हर उस हलके से धांधली की गई है जिस हलके में जो है, अब मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जिस हलके में उस पार्टी के बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो बुरी तरह शिकस्त खा रहे थे, और हर हलके में उसके अंदर जो है वो चेंजेस हुई हैं। अब इसमें एक हलका जो है वो बिल्कुल हाईलाइटेड है, लाहौर के हवाले से बात करूँगा। अच्छा, उसके अंदर भी यही हुआ कि जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47, ये दो फॉर्म्स हैं, इसकी डिटेल जो है वो मैं अपने एक
छोटे से व्लॉग में पहले भी दे चुका हूँ, उसको बिल्कुल आप जो है चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल समझ आ जाएगी। बस ये है कि फॉर्म 45 जो है, मुख्तसरन ये जान लें कि फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो कि आपके जितने भी जो आपके पोलिंग स्टेशन है ना, वहाँ से जारी होता है, ठीक है। तो वो उम्मीदवारान को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वही फॉर्म और वो आगे जाके जो है वो पेश होते हैं आर ओ के हवाले से, और आर ओ जो है वो फॉर्म 47 के अंदर जो है अपना फाइनल रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल करता है और आगे जो है वो शाया कर देता है। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है फॉर्म 45 की ना, तो फॉर्म 45 तक के इलेक्शन का जो एक जो सिनेरियो रहा वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। इसमें किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है, ये मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान इलेक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अलबत्ता जैसे ही हम आगे जाते हैं और फॉर्म 47 के हवाले से बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ी धांधली जो है, बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा वाफिक मकदार में जो है ये चीज़ पाई गई। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि मुख्तफ हल्के जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, जो मैंने जो लाहौर हल्के की बात की है उसकी सिर्फ इसलिए बात की है कि वहाँ पर आप इमेजिन करें कि यार मुखालिफ पार्टी यानी कि जैसे जमात इस्लामी है या जो है वो TLP है या डिफरेंट और जो पार्टीज़ हैं, अच्छा उनमें जनाब आरओ साहब की ये मतलब हालात हैं कि उन्होंने उनको एक भी वोट देना गवारा नहीं किया। अब इसमें देखिए इतना बड़ा सवालिया निशान है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि यार जो वहाँ से कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, क्या वो किसी और को वोट कास्ट करेगा? क्या एटलीस्ट इतना उनको नज़र नहीं आ रहा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं या जो मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या आया वो इस काबिल है कि उसको आगे जो है ना वो एक्सेप्टेंस मिलेगी? तो कतन किसी सूरत इस चीज़ को एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिल सकती, और यही एक वाज़े जो है वो प्रूफ है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि मैंने उस हलके का ख़ास नाम नहीं लिया, अलबत्त ये ज़रूर है कि लाहौर का वो हलका है, बहुत से लोग उसे जानते हैं, बाखूबी वाकिफ़ हैं। अलबत्त ये है कि देखें मैं एक जो एक व्यू है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मेरी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही काबिल एहतराम और बाशऊर अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ये इस चीज़ का डिसीजन खुद लेगी कि क्या आपका जहन मानता है कि एक भी जो है वोट उस कैंडिडेट को भी ना जा गया हो जो कि वहाँ से खड़ा हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही इसी तरह के और भी डिफरेंट हकायक जो हैं वो लोगों तक ला रहा हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर जो है, मैं उसके बाद इलेक्शन के बाद के जो हालात हैं वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसे मज़ीद भी देखिएगा इंशा अल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई होगी। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो जो है वो तमाम चाहने वालों को बेहतर लगेगी। अगर इसे बेहतर लगती है तो इसे आगे पहुंचाएं ताकि बहुत से ना जानने वाले भी इस चीज़ को जानें। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।